नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर। हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू और आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। खतोली थाना क्षेत्र के नावला कोठी के समीप नेशनल हाईवे 58 का है, जहां गांव शिमली निवासी शेर अली रहीसा और छोटी के साथ खतोली की ओर जा रहा था, जहां पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें छोटी पत्नी जरीफ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं शेर अली और रहीसा गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों को सीएससी में भर्ती कराया। वहीं घटना को अंजाम देकर चालक मौके से फरार हो गए। अभी एक लेडीज अली सलाम की और एक रही सलाम की और एक जो है घंटा अभिषेक, उनको नावला के पास सड़क दुर्घटना हुई थी। एक स्वाट एम्बुलेंस लेके आई है, जिसमें कि रईसा की हालत ज्यादा गंभीर है, उसको फर्स्ट देकर के रेफर कर दिया। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के राजाराम कॉलोनी का है, जहां 26 वर्षीय समरीन ने गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की 5 वर्ष पूर्व समीम के साथ शादी हुई थी, जिनका पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। विवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसएसपी अनंतदेव तिवारी और एडीएमई हरीश चंद्र द्वारा की गई। बैठक में जयंती के अवसर पर आयोजन करने वाले आयोजकों को आमंत्रित किया गया, जहां सभी आयोजकों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान अधिकारियों ने सभी समस्याओं का निस्तारण कराया। वहीं एसएसपी अनंतदेव तिवारी ने आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम का आश्वासन दिया और सभी को जयंती को धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। 16 तारीख को अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जनपद के जितने भी आयोजन होने हैं, उन सबके आयोजकों की गोष्ठी आज यहाँ पर की गई है। उनको जो भी दिक्कतें थी अनुमति के संबंध में, यात्रा निकालने के संबंध में, परंपरा के संबंध में और कानून के संबंध में, सब उनको जानकारी दी गई है। जो भी इश्यूज थे उनको सॉल्व किया गया है और सीओ साहब, एसडीएम साहब को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कुछ कमियां हैं, जो भी अनुमति के संबंध में गोष्ठी नहीं की है, वो आज जाकर के आज और कल में वो लोग गोष्ठी करके उन सब चीजों को दूर करेंगे, ताकि 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती शांतिपूर्ण माहौल में अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है, व्यवस्था साक्ष चौबंद रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अम्बेडकर जयंती बहुत शांतिपूर्ण माहौल में। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी राजीव शर्मा और सीडीओ अर्चना वर्मा द्वारा की गई। बैठक में सभी विभागों और बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां 14 अप्रैल से 5 मई तक शुरू किए जा रहे ग्राम स्वराज अभियान की जानकारी दी गई, जिसके तहत प्रत्येक गांव में फील्ड ऑफिसर को भेजकर ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। वहीं सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें सूची में जोड़ा जाए और योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। 14 अप्रैल से 5 मई के बीच में ग्राम स्वराज अभियान चलाया जाना है, जिसमें हमारा मूलभूत उद्देश्य ये है कि प्रत्येक गांव जो भी इस योजना के अंतर्गत आच्छादित है, वहां पर फील्ड लेवल कर्मचारियों को भेजकर और एक अभियान चलाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के विषय में उन्हें जागरूक किया जाए, और यदि वहां पर कोई भी बेनिफिशियरी जो है वो बच गया है तो उसको सैचुरेट किया जाए। तो इसमें लगभग 7 योजनाएं हैं जो इन गाँव में पूरी तरह से चलाई जाएंगी और वहां पर कोई भी बेनिफिशियरी बचा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इन योजनाओं में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी विभिन्न मंत्रालय सम्मिलित हैं और इसके साथ ही लोकल लेवल पे जो भी सहायता दे होगी वो उन्हें दी जाएगी। तो ये सभी योजनाएं जो हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगी। एक इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना, उजाला स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मिशन इंद्रधनुष। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, ये 7 योजनाएं विभिन्न विभागों से कवर्ड हैं,
तो इसमें एक बहुत ही बड़े लेवल पे कार्यक्रम होना है, इसी संबंध में विभिन्न अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। गुरुवार को नगर पालिका परिषद में बजट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल द्वारा की गई। वहीं बैठक में सभी वार्डों के सभासदगण भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में इस वर्ष के पारित बजट को रखा गया, जिसमें सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण बजट पास किया गया। वहीं सभासदों द्वारा अपने वार्डों के प्रस्तावों को रखा गया, जिस पर विचार पर आगामी बोर्ड बैठक में पेश करने का निर्णय लिया गया। वहीं सभासदों द्वारा अनेकों समस्याओं से पालिका अध्यक्ष को अवगत कराया गया, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने बोर्ड बैठक में पास कराने का आश्वासन दिया। आज हमने बजट की मीटिंग रखी थी, सभी सभासद अधिकतर उपस्थित थे और सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। जो भी उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे हैं, जो भी उन्होंने हम सभी को अपना रखते हुए उनके प्रस्ताव कोई ऐसे गलत नहीं थे, सबका विचार करके सबको अगली बोर्ड मीटिंग जल्दी करेंगे, उसमें सब प्रस्ताव रखे जाएंगे, क्योंकि हमें सभासद हमारे जो माननीय सभासद हैं 50, उनकी तो हमें सुननी है। इसके अलावा जो हमारे जनता को हमसे उम्मीदें हैं, वो बजट पास होने के बाद सब कार्य होंगे, सभी सभासदों के कार्य होंगे, जो भी प्रस्ताव है वो पास होंगे, सभी पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है फंड की काफी कमी है। पहले जितना आया करता था उसमें और 50 लाख कम होकर आए हैं, तो हम तो ये चाहते हैं, जैसे सभासद कहते हैं 250 रखवा लो, हम तो चाहते हैं 500 रखे जाएं, हमें तो सफाई चाहिए, लेकिन यह है कि ये व्यवस्था भी हम ऊपर से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास फंड पूरा आए, तो हम अगर 250 चाहते हैं तो हम 250 भी रखेंगे, लेकिन अभी इस पर भी हम विचार करेंगे कि कितने हम कर्मचारी रखेंगे, जिससे सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और हमारे सभी सभासद संतुष्ट हो। बजट बिल्कुल पास हो गया, सबके सर्वसम्मति से बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण से करते हैं, हमारा पूरा बजट पास किया है, किसी कोई उससे शिकायत नहीं है बजट से, वो तो बजट। संसद में बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा हंगामा और प्रदर्शन किया गया, संसदीय कार्यवाही रद्द कर दी गई, जिसके चलते बजट और अन्य प्रस्ताव पास नहीं हो सके, जिसके विरोध में गुरुवार को पूरे देश में भाजपा द्वारा उपवास रखा गया, जिसके तहत नगर के शिव चौक पर भाजपा के सांसद संजीव बालियान और नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास रखा, जहां विपक्षी पार्टियों का विरोध जताया गया। वहीं भाजपा ने देश हित में पास होने वाले बिलों को विपक्षी के चाल द्वारा रोकने का भी आरोप लगाया है। देखिए, ये जो बजट सत्र था कांग्रेस के द्वारा शोर शराबे से पूरे बजट सत्र में कोई काम नहीं होने दिया गया, इससे पूरे देश की जनता का नुकसान है, और जिस काम के लिए जनता ने हमें संसद चुना है, सांसद चुना है, हम उनका काम नहीं कर पाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने निर्णय लिया है कि हम इस सत्र का वेतन और भत्ता नहीं लेंगे, और जनता का भी इच्छा है कि कांग्रेस संसद को नहीं चलने देगी, और जो जनता के इतने काम संसद करती है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उपवास इसलिए है कि जनता को हम कांग्रेस से चाहे करा सकते। दरअसल मामला 2 अप्रैल का है, जहां SC ST कानून में संशोधन के खिलाफ दलित समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जहां उपद्रवियों द्वारा मुजफ्फरनगर शहर में तोड़फोड़ व आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने फुटेज के आधार पर कार्यवाही करते हुए काफी लोगों को जेल भेज दिया था। इसी के चलते आज भीम सेना के जिलाध्यक्ष उपेंद्र बावरा ने ACJM प्रथम के यहाँ सरेंडर कर दिया, जिस पर ACJM प्रथम अंकुर शर्मा ने आरोपी उपेंद्र बावरा की जमानत अर्जी रद्द करते हुए 26 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाँ, मैं बीमार में जिलाध्यक्ष हूँ और जो है भाई समाज के प्रति प्रेरित हूँ, अपने समाज के लिए जो है तत्पर रहता हूँ, गलत मानता हूँ। देखिए, मैं आपसे बताऊँ, हम लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कि प्रशासन द्वारा वहाँ पे जो है बहुत ही हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चली गई, पत्थर फेंके गए, मार पिटाई हुई, ये बिल्कुल गलत हुआ। हाँ, मैं बीमार में जिला अध्यक्ष हूँ और जो है भाई समाज के प्रति प्रेरित हूँ, अपने समाज के लिए जो है तत्पर रहता हूँ। भाई पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई करी जा रही है बिल्कुल गलत करी जा रही है, हम ही लोगों को मारा पिटा जा रहा है, हम ही लोगों पर कार्रवाई करी जा रही है, गोली हमारे बच्चों के मारी जा रही है, तो क्या सही है क्या? दरअसल मामला थाना नई मंडी क्षेत्र के निराना का है, जहां छोटन और साजिद निराना के मकान के लेंटर का सरिया बांधकर घर अपने वापस जा रहे थे, तभी निराना पेट्रोल पंप के पास पहुंचने पर सामने से आ रही एक मारुति कार ने इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। लोगों के द्वारा सूचना देने पर मौके पर 108 एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, वहीं घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। गुरुवार
को मेरठ रोड स्थित विकास भवन सभागार में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति का गठन किया गया, जहां समिति के बैनर तले विभिन्न समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी की शैक्षिक योग्यता 12वीं के स्थान पर ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी कंप्यूटर डिप्लोमा के स्थान पर ओ लेवल का डिप्लोमा किए जाने की मांग की गई है। वहीं उन्होंने पदोन्नति और वेतन मान में बढ़ोतरी किए जाने की मांग की है। पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति का गठन किया गया है और इसी समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना आज 12 तारीख का है, जिसकी 3 सूत्रीय मांग शासन से हम लोगों ने मांगी है। ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी की शैक्षिक योग्यता जहां इंटर है उसकी योग्यता बढ़ा करके हमने मांग की है कि उसे स्नातक किया जाए, और ट्रिपल सी जहां हमारा प्रमाण पत्र है वहां ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स उसमें मान्य किया जाए। ये हमारी सरकार से पहली मांग है। दूसरी मांग जो है हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी का वेतन मान 5200 से 20200 और ग्रेड वेतन प्रथम ग्रेड वेतन जो है वो कम से कम 2800 होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तीसरी हमारी मांग जो है सीधी भर्ती के सापेक्ष जो हमारी पदोन्नति होती है वो कम से कम 30% पदोन्नति हो। इन तीन मांगों को लेकर के ही हम आज एक दिवसीय धरने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी संघ और ग्राम विकास अधिकारी संघ दोनों को मिलाकर के एक समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसके तत्वाधान में आज का एक दिवसीय धरना है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अभी 23 तारीख में हम लोगों का लखनऊ में एक दिवसीय धरना है, उसके बाद में प्रदेश नेतृत्व सरकार की जो स्थिति होगी, सरकार मांगे मानती है या नहीं मानती है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा कि कब से हमें अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांधी कॉलोनी का है, जहां बीती रात रोग चिकित्सा केंद्र पर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर इन्वर्टर बैटरी सहित कीमती मशीनें चोरी कर ली। सुबह दुकान खोलने आए चिकित्सक को चोरी का पता चला तो उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और चिकित्सक की तहरीर पर कार्यवाही शुरू कर दी। चोरी हुई, ये रात को ही सुबह आया तो चोरी हो गई, ताला टूटा हुआ था शटर का। क्या क्या अंदर देखा तो बैटरा और कुछ छोटी मशीनें थी इलेक्ट्रिक, सारी चोरी है, करीब 25,000। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली में स्थित तीनों सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने पहुंचकर किसानों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान हजारों से ज्यादा शिकायतें वर्तमान में गन्ना किसानों के खेतों में खड़े गन्ने की पेराई के संबंध में थी। किसानों का कहना है कि उनके खेत में अभी भी गन्ना खड़ा है, जबकि शुगर मिलें उनको बरोई के लिए पर्चियां नहीं भेज रही हैं। रालोद नेता का कहना है कि पूर्व के समय से ही गन्ना सट्टे की नीतियों की पर्चियों के आधार पर शुगर मिल में जाता था, लेकिन इस बार गन्ने की पैदावार ज्यादा हुई, इसके लिए सरकार को पुनः सर्वे कराकर किसानों को पर्ची भेजनी चाहिए। रालोद नेताओं ने कहा कि किसानों के खेत में खड़े गन्ने की फसल के पुनः सर्वे कराए जाने के संबंध में हजारों से ज्यादा किसानों की शिकायतें पत्र मिले हैं, इनको लेकर जिला गन्ना अधिकारी को सौंपे जाएंगे और किसानों को पुनः सर्वे करवाएंगे। नेताओं ने कहा कि जब तक गन्ना किसानों के खेत में खड़ा है तब तक शाम नहीं होने देंगे। रालोद नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मान जाती तो वे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बुलाकर शामली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मैं गन्ना रह रहा, देते जाते ही रह रहा, बहुत बड़ी समस्या है गांव में। घर के ज्यादातर आदमियों के पास में एक बुग्गी, दो बुग्गी, चार बुग्गी, काफी एक बच रहा। पर्ची भी कुछ कमाई कुछ, दरअसल पहले इस साल मुंजे मुंजी लगा दी थी तो इसमें बॉन्ड कुछ कम हो गए थे, वो पर्ची कट गई थी तो उनके अब कुछ ईंक ज़्यादा हो गया, इस साल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ईंक की, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। और गांव के लिए दिक्कत आ रही है भाई, हर किसान को दिक्कत है। और इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि इसमें कम से कम किसान की गन्ने की तो गति हो जाए। जो हमारे श्यामली जनपद के किसानों के पास बेसिक बोटे यानी सट्टे से गन्ना ज़्यादा है, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। उसके लिए हम लोग गन्ना किसानों से जानकारी कर रहे हैं कितना गन्ना उनके पास ज़्यादा है।
उसका हम लोगों ने गन्ना अधिकारी से यहाँ जिला गन्ना अधिकारी जो भारती जी उनसे बात किया है और बात करके तय पाया कि वो सर्वे कराने के लिए तैयार है। हम ये फार्म जितने भी कलेक्ट करेंगे ये उनको उसकी लिस्ट बना के सौंपेंगे, वो सर्वे हो जाए, उनकी रिकलेंडिंग हो जाए, रिकलेंडिंग हो गए कैलेंडर में पर्ची लगती हुई करीब 1500 उपलब्ध हुए फार्म किसान हमको मिले थाना मोहन शामली और ऊन पे। आज करीब 3,000-3,500 के करीब हमारे पास एप्लीकेशन आई है थाना मोहन शामली और यहाँ मिलाकर ऊन मिलाकर, और कल भी हमको ऐसी उम्मीद है कि शायद कल भी किसान ऐसे आएंगे जो हमारी सरकार रोज ये कह रही है सब गन्ना किसानों गन्ना हम लेंगे चीनी मिल तभी बंद होगी, ये समझ में हमारी नहीं आ रहा वो कैसे लेंगे जब तक कैलेंडर नहीं बनेगा सर्वे नहीं होगा। 4 दिन चीनी मिल फ्री कर देंगे, फ्री करके ये चाहेंगे लोग 4 दिन के अंदर सारा गन्ना डाल दें, ये संभव नहीं है। इसके लिए पूरा आंदोलन करेगा और जब तक आंदोलन करेगा जब तक गन्ना किसान का खेत में खड़ा हुआ है कि गन्ना चीनी मिल को आपूर्ति नहीं हो जाएगा। इसके लिए चाहे हमको राज्य नेतृत्व को यहाँ बुलाना पड़े, हमारा राज्य नेतृत्व भी आने को तैयार है और हम सब लोग पूरा संघर्ष करेंगे किसानों का गन्ना एकल चीनी मिल को आपूर्ति करा के हम लोग दम लेंगे। गुरुवार को मीरापुर स्थित भगवंत ग्रुप ऑफ कॉलेज के दर्जनों छात्र छात्रा SDM कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन SDM जानसठ गजल भारद्वाज को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में प्रवेश के समय उन्हें छात्रवृत्ति मिलने और अतिरिक्त शुल्क न लेने की बात कही गई थी, लेकिन न तो उन्हें छात्रवृत्ति ही मिली है और उनसे विभिन्न प्रकार के शुल्क मांगे जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने कॉलेज प्रशासन से बात की है। उन्होंने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने से इनकार कर दिया। वहीं छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति दिलाने और कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है। कॉलेज से हूँ टिंकू MBA सेकंड ईयर, और मेरा जब एडमिशन लिया था मुझसे जीरो बैलेंस पे कहे कि मुझसे एडमिशन लिया गया था कि आपको कोई शुल्क जमा नहीं करना और स्कॉलरशिप की जिम्मेदारी हमारी है। आज हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई फर्स्ट ईयर की, तो हमको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप 30-40 हज़ार रुपये जमा करो यानी अपने घर बैठ जाओ या कुछ करो, हमें कोई लेना देना नहीं है तुमसे। नाम टिंकू, मैं MBA सेकंड ईयर से, जब मेरा एडमिशन लिया था कॉलेज ने तो जीरो बैलेंस पर कहकर मुझसे एडमिशन लिया था, और आज के टाइम पे मेरी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई तो मेरे से कह रहे हैं कि या तो फीस जमा करो या कॉलेज ज्वाइन कर दो, ना ही कोई फैकल्टी है और ना ही कोई टीचर है पढ़ाने के लिए। सुबह को जाते हैं शाम को आ जाते हैं, आप एक बार जाके देख लो, आप छापा मार लो कॉलेज में, 3 फैकल्टी सारी है BBA और MBA डिपार्टमेंट में। मैं PIT कॉलेज की स्टूडेंट हूँ MBA की, मेरा नाम पूजा है। हमारा जब एडमिशन हुआ था हमसे कहा गया था कि आप जीरो बैलेंस पे है, आपकी स्कॉलरशिप आई है ना, ये कॉलेज की जिम्मेदारी, आपको कोई फीस पे नहीं करनी, लेकिन हमारे किसी कारण से स्कॉलरशिप नहीं आई फर्स्ट ईयर। अब हमसे स्कॉलरशिप फीस मांगी जा रही है कि आपको 30,000 रुपये सबमिट करने हैं तो करने, हमने कहा था कि हमसे पहले कहा था जीरो बैलेंस पे है, लेकिन अब से क्यों मांगी जा रही है हमसे फीस। मेरा नाम है विकास कुमार, VIT कॉलेज से MBA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, और पहले हमारा जीरो बैलेंस पर एडमिशन था लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई फर्स्ट ईयर की, तो हमारा एडमिशन अब कैंसिल कर रहे हैं, ना ही हमारा एग्जाम फॉर्म भर जा रहा है थर्ड सेम का, फोर्थ सेम का, और थर्ड सेम में हमारी बायो में बैक लगा दी जिसके कारण हमने फीस नहीं पे करी, तो हमारी बैक लगा दी और हमारा फ्यूचर बिल्कुल बेकार जा रहा है। अब हमें कुछ सोल्यूशन निकाल रहा है, जो हमारा फोर्थ सेम भी हमारा बिल्कुल जो शून्य बैलेंस था शून्य बैलेंस में ही चले गए। शिकायत हमने कॉलेज में सभी जो अधिकारी थे राघव मेहरा उनसे भी कहा, असिस्टेंट डायरेक्टर अजय गुप्ता से भी कहा, सब उन्होंने मना कर दिया कि हमें आपको फीस जमा करनी पड़ेगी नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। साहब मैंने कर दिया, आप करो या मत करो, आपका सोसाइटी कर लो चाहे कुछ कर लो, हमें कोई कोई सोल्यूशन नहीं निकला आपका, कोई कहीं से कहीं तक हमने दिया था एप्लीकेशन दी है और अब उन्होंने कहा कि आपको कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा सांसद की कार्यवाही में बार बार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और गतिरोध के विरोध में देश भर में भाजपा सांसद हुए हैं। भाजपा विधायकों के द्वारा एक दिन के उपवास के रूप में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में शामली में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद कांता करदम के नेतृत्व में भाजपा विधायक तेजेंद्र नरवाल व भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। भाजपा सांसद कांता करदम का कहना है कि कांग्रेस नीति विपक्ष के लगातार सदन में हंगामा करने के कारण कई महत्वपूर्ण बिल अटके हुए हैं, जिसके कारण देश के कार्य में अवरोध पैदा हो रहा है। उसी के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ता अनशन कर रहे हैं। वहीं उन्नाव में भाजपा विधायक उन पर लगे रेप के आरोप के बारे में उन्होंने कहा कि मैं एक महिला होने के नाते इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच किए जाने की बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा विधायक इस मामले में दोषी है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। लोकसभा राज्यसभा की जो बाधित जो कांग्रेस ने जो डाली है कार्रवाई में, तो आप सब लोग देख रहे होंगे कि 23 दिन 22-23 दिन
हर दिन स्थगित होती रही है कार्रवाई, तो बहुत महत्वपूर्ण बिल ऐसे थे जो इस देश के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत ज़रूरी थे पास होने, लेकिन कार्रवाई नहीं चलने दी। और विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी और भी अन्य राज्यों की भी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। तो भ्रष्टाचार निवारण बिल वो सबके लिए ही है कि जो रिश्वत लेता है रिश्वत देता है तो सभी के लिए। एक तरफ तो बात करते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और एक बात तुम कार्रवाई होने नहीं देते हो। तो जब भी वो बिल आते हैं, इस तरह आते थे, तो आकर ये लोग सब वहाँ खड़े हो जाते हैं और बोलने नहीं दिया जाता और कार्रवाई को बाधित कर देते हैं ये लोग। अब भी यही बात है, बेटियों के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में जो नारा है दिया है वो बरकरार रहेगा। दोषी कोई भी हो, अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं तो कार्रवाई हो, बिल्कुल। हम कह रहे हैं अगर कोई दोषी है, वो कोई भी हो सकता है, उस पर कार्रवाई करें, उसकी जांच करें। देखिए, पार्टी ने ये कहा है कि अभी तो कुछ ऐसा कुछ हुआ आया नहीं है अभी, लेकिन अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो। वित्तीय वर्ष 2018-19 के आरंभ में नगर पालिका द्वारा 116 सफाई कर्मचारियों को हटा दिया गया था, जिसके विरोध में गुरुवार को सफाई कर्मचारी संघ नगर पालिका के अध्यक्ष राजेश ऊंटवाल और मंत्री राजू वेद के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने पालिका प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने हटाए गए सफाई कर्मचारियों को पद पर नियुक्त करने और 250 अन्य पदों पर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करने की मांग की है। वहीं उन्होंने हटाए गए कर्मचारियों का रुका हुआ 4 माह का वेतन दिलाए जाने की मांग की है। सफाई कर्मचारियों का समर्थन करते हुए वार्ड 50 के सभासद अब्दुल सत्तार ने यह मुद्दा बजट मीटिंग के दौरान भी उठाया, जहां फंड न होने का हवाला देते हुए पालिका अध्यक्ष ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। रखा गया था 45 तारीख से हमारे 116 कर्मचारी हटाए गए हैं और 4 महीने का वेतन बकाया है। नगर पालिका अपनी हड़ताल भी पे है। हमारी मांग थी कि बोर्ड की आज मीटिंग है, इन कर्मचारियों को जो रखा जाए और इनका 4 महीने का वेतन है, 5 का भी है, क्योंकि गरीब आदमी है, इसमें एडमिशन भी है, स्कूल की फीस भी है, और नगर पालिका इसमें अभी कुछ ऐसे कर रही है कि इन कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाए, लेकिन ये उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दलितों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ये सरकार भी इसमें जोखिम उठा रही है कि इसमें जल्द से जल्द इनका कर्मचारियों का भुगतान किया जाए, और नहीं तो जो आज धरना है कल को जो और उग्र रूप भी ले सकता है, तो सफाई कर्मचारी ठप कर सकते हैं। जब तक इनका पैसा नहीं दिया जाएगा तो जब तक हम चैन से बैठ के रहने वाले नहीं है। इनका मुद्दा अपनी जगह बिल्कुल जायज है, क्योंकि नगर पालिका जो चल रही है बिल्कुल अन्याय कर रही है इनके साथ, और हमारे साथ भी सभासदों के साथ भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि हम लोग रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। सुबह उठते ही लोग बाग शिकायत आ जाती है हमारे पास, मेंबर साहब यहाँ से कूड़ा नहीं उठता, मेंबर साहब नाली साफ नहीं हुई, मेंबर साहब झाड़ू वाले नहीं आए, तो हमें तो रोजमर्रा यही गलियों में निकलना हमारा दुभर हो गया है। अगर सफाई कर्मचारी शहर के अंदर कम होंगे तो सफाई नहीं हो पाएगी, और इस सफाई कर्मचारी के अंदर 250 कर्मचारी की हमने मांग रखी है अभी अध्यक्ष महोदय और ईओ साहब से, कम से कम 250 कर्मचारी प्राइवेट और रखे जाए, जो सभी वार्डो को बराबर बांटे जाए, तो जब सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ेगी तभी तो जाके वार्डो में सफाई होगी, शहर हमारा जब स्वच्छ होगा। और एक अन्याय और चल रहा है काफी टाइम से, पिछली योजनाओं से ही किसी वार्ड को 30-30 कर्मचारी रखे हैं, किसी वार्ड पर 3 भी नहीं है, तो एक अन्याय चल रहा है नगर पालिका की तरफ से। इस बार बोर्ड में बहुत मजबूत हम जैसे मेंबर आए हैं, जो पब्लिक का ध्यान रखा जाएगा, पब्लिक का हक मिलेगा, और इस पब्लिक की लड़ाई को और कर्मचारी की लड़ाई को हम सब सभासद मिलकर लड़ेंगे, और जिसका मैं आगे लेकर चल रहा हूँ इस बात को। गुरुवार को शाहपुर ब्लॉक के गांव गोयला के दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में पिछले कई वर्षों से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसका आज तक भी निस्तारण नहीं हो पाया। वहीं उन्होंने बताया कि जलभराव के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण गांव में बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने समस्या के निस्तारण की मांग की है। अजी मामला ये है, 2013 से लड़ाई लड़ते आ रहे, DM, ADM, SDM सबको प्रार्थना पर दे चुके, और सब सरकारी जांच होगी, ADM साहब होगी, DM वो SDM साहब द्वारा जांच होगी, ADO पंचायत जो है मतलब ब्लॉक साफर से जांच होगी, क्या कि वहाँ गोयला में पानी की निकासी का रास्ता नहीं, जो वास्तव में गोयला की समस्या गंभीर है, वहाँ घरों में पानी भर रहा और बीमारी है फैल रही, और घरों में कीड़े चल रहे, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ,
खेतों वालों ने बचाओ में अपने खेतों के जो है नाकाबंदी कर ली। आज जाकर देख लो वहाँ जो है गाँव का जो है तालाब बन रहा है। प्रधान तो आज यहाँ मौके पर आया था, हम चाह रहे थे वो भी सहयोग करे, लेकिन वो जो है गाँव में चला गया और जो है गाँव वालों ने उसको बुलाया तो मौके पर नहीं आया। ये चाहते हैं कि गांव में जो है भूमि अधिग्रहण या फिर कोई समझौता करा कर जिला प्रशासन शासन जो नाले की समस्या हल करो, जैसा पानी का निकासी का रास्ता साफ हो जाए। आगे 500 मीटर बगल जो है कितास का जंगल है जिसमें सोतेही नाला है, अभिलेखों में दर्ज है, उसको अतिक्रमण हटवाए। साहब हमें मिले नहीं है, डीएम साहब ने कहा डीएम के संज्ञान में जाएंगे और जहाँ तक भी हो सका समस्या समाधान कराएंगे। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।